हेलो गाइस वेलकम बैक टू बी द टॉपर दिस इज एमसीक्यू क्यू पार्ट फाइव चैप्टर वन ऑफ एफएमएम क्लास ट्वेल्थ इससे पहले चार पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को इसलिए ज़रूर चेक कर लेना और अब हम चलते हैं अपने आज के वीडियो को शुरू करने तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फोर्टी वन हु कंट्रोल्स द कैपिटल मार्केट इन इंडिया इंडिया में कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है ठीक है तो कैपिटल मार्केट क्या है एक ऐसा मार्केट जिसको आप पूरा जिसका मैं मॉड्यूल पढ़ रहे हो तो एन के चार सेगमेंट हैं डब्लू डी एम होल सेल डेट मार्केट सी एम सेगमेंट कैपिटल मार्केट एफ एन ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एंड सी डी सेगमेंट करेंसी एंड डायरेवेटिव ठीक है करेंसी डायरेवेटिव सेगमेंट तो आपसे पूछा गया कि कैपिटल मार्केट को इंडिया में कौन कंट्रोल करता है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सेबी ठीक है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द कैपिटल मार्केट इन इंडिया 42 हाउ मेनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन द सेंसेक्स ऑफ इंडिया अब सेंसेक्स क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए सेंसेक्स एक इंडेक्स है कहां का बीएससी का बी क्या है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक और एक्सचेंज होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा नया है ठीक है अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि सेंसेक्स में कितनी कंपनीज हैं तो सेंसेक्स में कितनी कंपनीज है इसका आंसर क्या होगा थर्टी ठीक है सेंसेक्स में तीस कंपनीज हैं फोर्टी थ्री फॉलोइंग इज नॉट अडिट रेटिंग एजेंसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इनमें से कौन सी नहीं है क्रिसल इकरा केयर नेके ठीक है तो इसका जो आंसर है ये है थर्ड और ये जो है ये जापान का एक स्टॉक एक्सचेंज है जो की ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है और ये जो बाकी है क्रिसल इकरा केयर ये सारी इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर द फर्स्ट कंप्यूटराइज ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज़ इंडिया में सबसे पहला कंप्यूटराइज ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और वो जो सिस्टम था वो था नीट ठीक है नीट और इसका फुल फॉर्म मैं तो यहाँ बताऊँगी नहीं आपको ऑलरेडी पता होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फिफ्थ टू रेगुलेट स्कैम इन इंडियन कैपिटल मार्केट विच ऑफ़ द फॉलोइंग बॉडी हैज़ रेगुलेटरी पावर इंडिया में कैपिटल मार्केट जो है उसमें स्कैम को रेगुलेट करने के लिए कौन सी बॉडी काम करती है तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेबी ठीक है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया काम करती है इस चीज़ के लिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स पे द मार्केट्स इन विच न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड बाई देशन टू रेज फंड अब ऐसे मार्केट जहाँ पे कोई भी कॉरपोरेशन मतलब कोई भी नई कंपनी कोई भी कंपनी बेसिकली अपनी न्यू सिक्योरिटीज को इशू करती है पब्लिक को फंड रेज करने के लिए तो उस मार्केट को क्या कहा जाता है तो उस मार्केट को कहा जाता है प्राइमरी मार्केट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन पे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट बिलोंग टू दिस स्टॉक एक्सचेंज इनमें से कौन सी जो चीज है वो स्टॉक एक्सचेंज को बिलोंग नहीं करती है ठीक है तो पहला बिलोंग करती है दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर आपको पता है नेस, नेट एसेट वैल्यू जो हमारा पहला वाला है ये जो केपीओ है केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग और एक बिजनेस आउटसोर्सिंग का ये मेथड है जो बिज़नेस से हम बाहर से आउटसोर्स करते हैं ठीक है तो ये जो चीज़ है ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बायर अंड अ सेलर एंटर्ड इन टू टूडे रिगार्डिंग अ ट्रांजेक्शन टू बी फुलफिल्ड एट अ फ्यूचर पॉइंट इन टाइम इज कॉल्ड अब मान लो एक बायर है और एक सेलर है ठीक है इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई इस शेयर प्राइस पे इतनी क्वांटिटी पे इस कंपनी के शेयर मैं आपसे फ्यूचर में इतनी तारीख को लूँगा तो ये क्या है इसको क्या कहा जाता है इसको हम लोग बोलते हैं डेरीवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ठीक है contract, ये वैसे आपने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है आज के वीडियो में बहुत ईजी भी हैं कुछ कुछ डिफिकल्ट भी हैं तो क्वेश्चन का जो लेवल है ये भी मैंने थोड़ा सोचा है मेंटेन करूं और बुक में से मैंने कई जगह से टेबल्स में से जो क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने वो भी लेने की कोशिश की है अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन्थ पे जो कि है विच इज द नॉन अलायबल एसेट इनमें से कौन सी नॉन अलायबल एसेट है अब ये नॉन अलायबल एसेट्स क्या होता है ये सब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की वीडियोस में बता दिया है और ये जो चीजें यहाँ पर बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं ठीक है ना बैड डिलीवरीज फिक्सड एसेट पे सिक्योरिटीज अब यहाँ क्या करते हैं बच्चे कि इसको हम ध्यान से पढ़ते ही नहीं है बट आज मैंने इसमें से भी क्वेश्चन लिया है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि इनमें से नॉन अलायबल एसेट कौन सा है फिक्स्ड एसेट्स ज तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ दी अब ठीक है ये सारे जो है ये सब नॉन अलाइबल एसेट है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़ें तो आप एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख लेना और ये जो टॉपिक है नॉन अलाइबल एसेट का ये नेटवर्थ वाले टॉपिक नेटवर्थ एंड अदर डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स वाले टॉपिक से मैंने उठाया है ठीक है तो नॉन अलाइबल एसेट में क्या क्या आता है फिक्सड एसेट्स होती हैं प्लेज सिक्योरिटीज़ होती हैं मेम्बर्स कार्ड होता है नॉन अलाइबल सिक्योरिटीज़ होती है जिसको अनलिस्ट सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं बैड डिलीवरीज होती हैं डाउटफुल डेथ होते हैं एंड एडवाज प्रीपेड एक्सपेंसिज इनटैंडबल एसेट्स एंड 30% मार्केटएबल सिक्योरिटीज तो ये सारे ऑप्शंस तो आपके पास नहीं आएंगे पर मान लो तीन ऑप्शन आ जाते हैं और आपसे कोई अगर इस तरीके का सवाल पूछेगा तो आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपने ये चीजें देखी होंगी कि भाई कौन-कौन सी एसएच इसमें आती हैं ठीक है थीके? तो आप इस चीज को एक बार ध्यान से देख लेना आपको मैंने टॉपिक बता दिया है नेटवर्थ एंड अदर डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स वाले टॉपिक में लिखा हुआ है ये अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पे जो कि है आई एफ एस डी हैज़ टू बी इन द फॉर्म ऑफ आई एफ एस डी है क्या इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट और ये क्या है ये एक एलिजिबिलिटी है डिपॉजिट रिक्वायरमेंट जो दो टाइप का हमें बताया गया है एक तो होता है आई एफ एस डी ठीक है इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट एक होता है सी एस डी कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट तो अभी हम बात करें आई एफ एस डी की तो ये कह रहा है कि जब एक ट्रेडिंग मेंबर एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करता है तो ये जो आई एफ एस डी है इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये किस फॉर्म में होना चाहिए लिक्विड कैश म्यूचुअल फंड इक्विटी या फिर नॉन ऑफ द अबव तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है लिक्विड कैश आई एफ एस डी हमेशा लिक्विड कैश में होना चाहिए जबकि जो सी एस डी होता है ये कैश और नॉन कैश फॉर्म दोनों में हो सकता है अब कैश कंपोनेंट में क्या-क्या चीजें -क्या आती हैं नॉन कैश में क्या-क्या आती हैं इससे मैं अगली बार क्वेश्चन ले सकती हूँ, बट आप इसको अच्छे से पढ़ लेना अभी ताकि अगली जो वीडियो है आप उसमें बता पाओ उसका आंसर ठीक है अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे एंटिटीज आर अलाउड टू बी आइडेंटिफाइड एज डोमिनेंट शेयर होल्डर्स प्रोवाइडेड दे हैव अ नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट ये कह रहा है कि जो एंटिटीज़ हैं जो कि अपने आप को एक डोमिनेंट शेयर होल्डर बताना चाहती हैं तो एक एक शर्त होती है एक कंडीशन होती है कि उनकी इतनी नेटवर्थ होनी चाहिए अब यहाँ पर जो मैंने एंटिटी लिखा है ये एंटिटी से मैं किन किन चीजों को बोल रही हूँ मैं आपको वो भी बता देती हूँ यहाँ पे सबसे पहले जो एंटिटी है वो है स्केड्यूल्ड बैंक्स दूसरी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ओन फाइनेंस एंड और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आर बी आई आई आर डी ए ठीक है तो ये हो गया और आई आर डी ए की फुल फॉर्म क्या है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और कोई भी एंटिटी जो कि टाइम टू टाइम रेलिवेंट अथॉरिटी बताएं कि ये डोमिनेंट शेयर होल्डर हो सकती है आज मैं आपको इन्फो इतनी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा कम बता रही हूँ बच्चों को थोड़ा और बताना चाहिए तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूं कि मैं एमसी के साथ साथ आपको थोड़ी सी और भी इन्फो देते चलू तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने फोर्थ पॉइंट से लिया है आपके की आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेबरशिप है उसमें अनलिस्टेड कारपोरेट है और लिस्टेड कार्पोरेट के आगे कार्पोरेट शेयर होल्डर जो four, जो चौथा पॉइंट है हमारा जो बैंक सेंटर और स्टेट गवर्मेंट वाला है उससे मैंने ये लिया है आप इसको ध्यान से पढ़ लेना और इस क्वेश्चन का जो आंसर है जो कि इतनी कथा होने के बाद भी नहीं पता चला वो है फिफ्टी करोड़ ठीक है तो जितने भी कंपनीज है जितनी भी एंटिटीज है जो अपने आप को एक डोमिनेंट शेयर होल्डर बताना चाहती है उनके पास नेटवर्थ होनी चाहिए पचास करोड़ की अब वो कौन सी एंटिटीज होती है ये मैंने आपको बता दिया तो हो सकता है आपसे कोई ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सी एंटिटी होनी चाहिए ठीक है तो आप इस चीज को याद रखना क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू द प्रमोटिंग फॉर एंटिटी शेल होल्ड डैश ऑफ द कंट्रोलिंग स्टेक इन द एप्लीकेंट कंपनी अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये उसी के नीचे वाले पॉइंट पॉइंट से आ रहा है जो जो है जो जो एंटिटी वाला ठीक है जो फिफ्थ आपका पॉइंट है उसका जो बी वाला पॉइंट है उससे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है ठीक है आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप एक बार और वहां पे बुक में जाके पढ़ सको तो ये कह रहा है कि जो भी फॉरेन एंटिटी होगी जो प्रमोट कर रही होगी अपने अपने को यहाँ पर बताना चाह रही होगी तो वो कंट्रोलिंग स्टेक उसका कितना होना चाहिए एप्लीकेंट कंपनी में तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फिफ्टी वन परसेंट ओके और यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जिसका फुल फॉर्म मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया आई आर डी ए का फुल फॉर्म आप कमेंट्स में लिख देना ठीक है ताकि आपको याद रहे और अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है तो आप वीडियो को स्किप करके पीछे जा सकते हो क्योंकि मैंने इसका फुल फॉर्म अभी बताया था क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री जो हमारे पास है द प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन आई एफ एस डी ऑफ रुपीज डैश एंड सी एस डी ऑफ रुपीज इन एफ एन ओ सेगमेंट अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों ने देखा भी ना हो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कहाँ से लिया है टेबल वन पॉइंट वन जो है आपकी बुक में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप कॉरपोरेट्स ये मैंने वहाँ से लिया है जो हमें यह बता रहा है कि एफ सेगमेंट में अगर कोई प्रोफेशनल क्लियरिंग मेम्बर आना चाहता है तो उसके पास कितना आई होना चाहिए इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट और कितने रुपये का सी होना चाहिए उसको जमा कराना चाहिए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है टू लाख एंड एट लाख रिस्पेक्टिवली ठीक है अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है फिफ्टी फोर्थ वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ एन आई एस एम एन आई एस एम का फुल फॉर्म क्या है तो एन आई एस एम का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना चैनल पर ना सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय